तो भाई देखो, आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि कई बार अच्छाई करने के चक्कर में आपके साथ ही बुरा हो जाता है। और सेम चीज को अगर क्रिकेट में अप्लाई करें तो वहां भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना ही आपको मेन टूर्नामेंट से बाहर कर देता है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात समझ में ना आई हो, तो मैं अच्छे से समझा देता हूं। क्योंकि रिसेंटली एक स्पेक्युलेशन लगाई जा रही है बहुत ज्यादा दिग्गज क्रिकेटरों के द्वारा कि मोहम्मद शमी हमें T20 वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के लिए सुनने में शॉकिंग होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी इवन गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले बॉलर थे, और सेम टाइम पे उन्होंने IPL में भी 20 विकेट चटकाए थे, जो कि अच्छे खासे विकेट होते हैं। और ये तो सब जानते हैं कि बुमराह के बाद मोहम्मद शमी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं इंडियन टीम के, और कई सिचुएशन में तो वो जसप्रीत बुमराह से भी बेहतर बॉलर हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए लोग उनका नाम क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, ये तो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि जो इंडिया की टेस्ट टीम है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस इंडिया के पास नहीं है। इसलिए वहां अगर हम बात करें तो सबसे जो दो मेन बॉलर आते हैं वो आंख बंद करके हमें कहना होगा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। और उसके अलावा मोहम्मद शमी वनडे के भी एक अच्छे खासे ऑप्शन हैं। तो यही रीजन है कि इंडिया का जो मैनेजमेंट है वो मोहम्मद शमी को बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करना चाहता है, और T20 में उनको ऐसा लगता है कि उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती हैं। अभी जैसे आशीष नेहरा ने भी अपनी प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताई, और साथ ही साथ इरफान पठान ने भी जो अपनी प्रोबेबल 11 बताई है वर्ल्ड कप के लिए, उसमें मोहम्मद शमी का नाम उन्होंने नहीं रखा, जिसका एक रीजन है। और जो पांच ऑप्शन रखे हैं आपको सुनने में वो अच्छे खासे लगेंगे। इन दोनों ने ही बॉलिंग ऑप्शंस में जो मेन पेसर रखे हैं जो T20 वर्ल्ड कप में ये लोग खिलाना चाहते हैं, उसमें है भुवनेश्वर कुमार, दूसरे हैं हर्षल पटेल, और तीसरे सबसे मेन जसप्रीत बुमराह। और वहीं अगर स्पिन ऑप्शंस की बात करें तो इन्होंने युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा को मौका दिया है। अब कहीं ना कहीं ये जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक अच्छा खासा सेंसिबल दिखाई पड़ता है, क्योंकि पहले ऐसा हो सकता था कि भुवनेश्वर कुमार शायद आपको एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन ना लगे T20 के लिए, लेकिन जिस तरीके से IPL में कहले या फिर साउथ अफ्रीका सीरीज में कहले उन्होंने कमबैक कराया वो बहुत ही शानदार है। और अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं कि भुवनेश्वर कुमार इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भी बने। हाँ ये सच है कि ईशान किशन ने अच्छी खासी बैटिंग करी थी, हाँ ये सच है कि हर्षल पटेल ने उनसे ज्यादा विकेट चटके थे, लेकिन भले ही भुवनेश्वर कुमार ने 6 विकेट चटके, लेकिन उन्होंने जो रन दिए हैं वो बहुत ही किफायती औसत पे दिए हैं, सिर्फ 6 की इकोनॉमी पे। और T20 जैसे फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका जैसे लाइनअप के सामने जिन्होंने अच्छी खासी हिटिंग करी है सीरीज में, उनके सामने 6 की इकोनॉमी से रन देना बहुत बड़ी बात है। और इस सीरीज में भुवनेश्वर कुमार ने मैन ऑफ द सीरीज जीत के एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है कि वो अब इंडिया के ऐसे पहले पेसर बन गए जिन्होंने 4 मैन ऑफ द सीरीज जीती है सारे फॉर्मेट्स को मिला के। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो ईशान शर्मा और जहीर खान के नाम था, जिन्होंने अभी तक सिर्फ 3 ही मैन ऑफ द सीरीज जीती थी। और ये बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड है, क्योंकि जहीर खान ने और ईशान शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मैचेस खेले थे। वैसे जब ये भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया तो कसम से मुझे ऐसा लगा कि यार अपन भी कुछ जिंदगी में ऐसा करते तो जिंदगी क्या मस्त होती ना। मुझे बहुत लोग इंस्टा पे DM करते हैं कि भाई अपन को ये काम आता है, अपन के पास ये स्किल है, क्या कोई अपने को काम मिल सकता है। आई नो जब आपके पास स्किल हो, आपके पास हुनर हो, लेकिन स्किल दिखाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म ना मिले तो बहुत दुख होता है। और आजकल जॉब ढूंढने से पहले रेज्यूमे हो गया, डिग्री हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ना जाने किस किस झंझट के लिए कहा जाता है। भाई जब आपको काम आता है तो जॉब भी मिलनी चाहिए ना। अब सिंपल सा समझो, अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो यही देखा जाएगा ना कि इसको अच्छे से बैटिंग आती है नहीं, या अच्छे से बॉलिंग आती है नहीं, या उससे कहा जाएगा जाओ अपनी डिग्री लेके आओ। पर बाकी जॉब में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो चिंता मत करो, आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसमें सिर्फ स्किल के बेसिस में तुम इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब पा सकते हो, सिर्फ एक फ्री में टेस्ट देके। रीलेवल बाय अनअकैडमी ऐसे ही स्किल बेस्ड फ्री टेस्ट करा के ऑल ओवर इंडिया डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जॉब लगा रहा है। यहां से स्विगी, यात्रा, मीशो जैसी 200 प्लस कंपनीज हायर कर रही हैं 18 डोमेन्स में। अब रोहित नहलानी की ही जर्नी देख लीजिए। रोहित ने 12 के बाद ही अपना फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। 17 की एज में वो प्रोडक्ट मैनेज कर रहा था, और धीरे धीरे करके उसका जो इंटरेस्ट था वो सेल्स की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जब अब मार्केट में जॉब ढूंढने का टाइम आया तो उसके पास डिग्री तो नहीं थी लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। लेकिन जैसा हर बार होता है, सिर्फ डिग्री और रेज्यूमे ना होने की वजह से बहुत सी कंपनीज उसको चांस नहीं दे पा रही थी। रोहित ने फिर रीलेवल का बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया, और इस एक स्टेप से आज वो लोमोज एंटरप्राइजेस में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेस्ड है। और ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं, आज तक 42 करोड़ वर्थ के जॉब डिलीवर कर दिए हैं रीलेवल ने। इवन इन कैंडिडेट्स के तो होल्डिंग्स भी आपको दिख जाएंगे थ्रू आउट इंडिया। बस टेस्ट में 500 के ऊपर स्कोर करो और 15 दिन के अंदर ही आपकी जॉब पक्की। एंड जैसा मैंने कहा, एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। और तो और जैसा मैंने कहा कि ये टेस्ट पूरे तरीके से फ्री है, और आप जितनी बार भी चाहे इन टेस्ट को बुक करके अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट खुद ही प्लेसमेंट की परफेक्ट प्रैक्टिस है। और सबसे
बात यह है कि अगर आप टॉप 3 स्कोरर्स बन जाते हो तो आप जीत सकते हो अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच। री लेवल में पूरे 18 टेस्ट कैटेगरीज हैं जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, एचआर और सेल्स तक। अब तो और भी नए जॉब प्रोफाइल्स एक्सप्लोर करने के लिए लाइक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट और ग्राफिक डिजाइनिंग। तो देख क्या रहे हो भाई, अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाओ साइन अप करो और जाके टेस्ट दो। और कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर आया। और कोई चिंता की बात थोड़ी है, जैसा मैंने कहा जितनी बार चाहे ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, तो भाई अभी जाके एक बार साइन अप करके टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करो। और जैसा मैंने कहा कमेंट में क्या बताना है कि आपने कितना स्कोर करा। बाकी अब चले आगे। तो जैसा कि अब सब जानते हैं कि जो पांचवा मैच था वो पूरे तरीके से रद्द कर दिया था बारिश के चलते, लेकिन स्टिल उस मैच से एक ऐसी फुटेज आई जिसकी वजह से सोशल मीडिया पूरे तरीके से दो गुटों में बढ़ गया। क्योंकि एक फुटेज में देखा गया कि ऋतुराज गायकवाड़ जब वहीं पे बेंचेस में बैठे हुए थे तो एक ग्राउंड स्टाफ का बंदा उनके पास आता है और सेल्फी लेने की कोशिश करता है, और ये नोटिस करा जाता है कि ऋतुराज गायकवाड़ उनसे जाने को कह देते हैं, जिस वजह से सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसा कहने लगे कि ऋतुराज गायकवाड़ ने तो अभी कुछ हासिल ही नहीं करा है और वो काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। लेकिन सेम टाइम पे ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत लोग डिफेंड करते हुए भी नजर आए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को अब तक 2 बार कोविड हो चुका है और इस समय कहीं ना कहीं इंडियन टीम अवॉइड करती है कि किसी के भी संपर्क में आए। अब देखो जो भी हुआ था वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहा है उनकी राय भी एक बार देख लेते हैं कि आपको क्या लगता है ऋतुराज गायकवाड़ ने जो किया वो उनका एटीट्यूड था या फिर जो उन्होंने किया वो कहीं ना कहीं कोविड के चलते किया होगा या फिर जो भी था सही था। बाकी अब मैं आपको आज की वीडियो की आखिरी और सबसे कमाल की बात बता रहा हूं जो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत लोगों को अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि कल के दिन विराट कोहली ने टेस्ट करियर में अपने 11 साल पूरे कर लिए थे, तो उसी ओकेजन में ट्विटर पे मैंने एक बहुत ही कमाल का ट्वीट पढ़ा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 2012 में संजय मंजरेकर ने एक ट्वीट किया था जिसकी अगर आप दूसरी लाइन पढ़े तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने लिखा था कि विराट कोहली को एक और टेस्ट में मौका देना चाहिए जिसके बाद ये कंफर्म हो जाए कि विराट कोहली टेस्ट की टीम में बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन उसी के कुछ साल बाद उन्हीं संजय मंजरेकर का अगर आप ट्वीट पढ़ेंगे तो आपको कहानी एकदम उल्टी देखने को मिलेगी, जिसमें संजय मंजरेकर ने लिखा था कि भाई सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली आज तक के इंडिया के सबसे बड़े बैट्समैन रहे हैं। तो ये बस मैंने आपको इसलिए दिखाया कि भाई जो टाइम है ना वो बहुत जल्दी बदलता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि खराब टाइम आने पर रोते रहें या फिर उठें और जिसने भैया आपके बारे में बुराई करी थी कुछ ऐसा करें कि कुछ साल बाद वही आपकी तारीफ कर रहा हो। बाकी अब जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि भैया कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वार। तो उनका नाम है मंथन शर्मा जो कहते हैं माय क्वेश्चन इज व्हाई शिखर धवन इज नॉट गेटिंग चांस टू प्ले, ही प्लेड वेरी वेल इन आईपीएल बट व्हाई ही इज सो अंडररेटेड। तो भाई देखो पहले तो ये सवाल है ना ये बहुत ही कमाल का है, क्योंकि बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों शिखर धवन को चांस नहीं दिया जा रहा है। देखो मैं भी इतना कोई ज्ञाता नहीं हूं कि इस सवाल का बहुत सही जवाब दे पाऊं, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि मुझे क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मेरा मानना है कि इंडियन मैनेजमेंट को पता है कि T20 वर्ल्ड कप में जो 2 लोग ओपनिंग करेंगे वो होंगे KL राहुल और दूसरे होंगे रोहित शर्मा, और सेम टाइम पे जो तीसरा ऑप्शन भी उनको लगेगा वो है ईशान किशन। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के मन में अक्सर ऐसा चलता रहता है कि वो शिखर धवन को T20 की बहुत ही प्राइम चॉइस नहीं मानते हैं, शायद उनकी एज को देखते हुए, जो कि गलत है। लेकिन सेम टाइम पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शिखर धवन अब भी वनडे के लिए वन ऑफ द प्राइम चॉइसेस में रहेंगे और ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले 50-50 वर्ल्ड कप के लिए शिखर धवन हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी वैसे सवाल बहुत ही अच्छा है जैसा मैंने कहा, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट में वो भी जरा बताए कि आपको क्या लगता है कि क्यों शिखर धवन को मौका नहीं दिया जा रहा है। ये नहीं बताना है कि शिखर धवन को मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्यों शिखर धवन को मौका नहीं दिया जा रहा है ये कमेंट में बताएं। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो अभी जाए हमारे इंस्टा पे क्रिकबाजी पे जोशी पे फॉलो करके अपना सवाल भेज दें, जो हम आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। और जैसा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी ड्रीम जॉब सिर्फ एक टेस्ट देके वो भी घर बैठे बैठे वो भी फ्री में, तो अभी जाए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से साइन अप करें, क्योंकि भैया ये एक जो साइन अप है ना पूरी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे, जो मैंने सवाल पूछा है कमेंट में बताना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।